डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा छठ पूजा को लेकर समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को छठ पूजा के मद्देनजर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन विचार करते हुए आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। इससे संबंधित जिन घाटों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है उन सभी घाटों को चिन्हित करते हुए श्रद्धालुओं के आने जाने वाले रास्तों पगडंडियों में नियमित रूप से साफ सफाई व पानी का छिड़काव करना सुनिश्चित करें ताकि घाट तक पहुँचने एवं दंड प्रणाम देने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी संबंधित तालाबों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव आवश्यक रूप से करें। छठ घाट के आसपास के सभी क्षेत्रों में साफ सफाई लाइट आदि की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के विद्युत व्यवस्था सड़कों नली गली व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए सभी छठ व्रतियों के लिए पेयजल एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दूषित जल प्रवाह को रोकने के उपाय आदि मामले पर गहन जांच निरीक्षण कर समयपूर्व आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी खोरी महुआ, सिविल सर्जन, जिला पूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं समिति के सदस्यों सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।